नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि नवरात्रों का त्यौहार भारत में किस तरह मनाया जाता है। व्रत तो आप सभी रखते होंगे, लेकिन इन 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि एक तलाकशुदा महिला को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका पूजा पाठ करने का कोई भी महत्व नहीं है। माता रानी की इनकी पूजा को अस्वीकार करती हैं। जैसे कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति के साथ नवरात्रि का व्रत रख सकती हो। जोड़े के साथ व्रत रखने से माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जैसे कि सिरों वाली माँ इससे अधिक प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, एक वैश्या को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए, ना ही करवा चौथ का व्रत। ये दोनों व्रत एक वैश्या को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक वैश्या की शरीर की पवित्रता खत्म हो चुकी होती है। पवित्रता खत्म होने के बाद ना केवल वो औरत ही रहती है, बल्कि वो पाप की भागीदारी भी होती है। इसलिए एक वैश्या को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर शुगर या चक्कर आना, कोई भी वगैरह वगैरह कुछ भी आपको गंभीर बीमारी है, तो आप व्रत ना रखें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, जैसे कि आपको बात बात पर गाली देने की आदत है, तो आप व्रत ना रखें, क्योंकि आपकी ये आदत बनी रहती है। खासकर आप इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे माँ सरस्वती क्रोधित होती हैं, आपसे माँ सरस्वती रुष्ट हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस व्रत को ना ही रखें, क्योंकि आप इतनी जल्दी अपनी आदत में सुधार नहीं ला सकते। नंबर 5, अगर आप दिखावे के लिए व्रत रखते हैं तो इस व्रत को आप ना ही रखें, क्योंकि इससे ना कि बल्कि आप देवी देवताओं की मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अपने आप को भी पाप का भागीदारी बनाते हैं। इसलिए आप ऐसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में भी पधारें, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी लिखें।